आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ हिंदुओं के एक प्रमुख तीर्थ हरिद्वार के बारे में जानकारी साझा करेंगे। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। इस नगर में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है, इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार तीर्थ के रूप में बहुत प्राचीन तीर्थ है, परंतु नगर के रूप में यह बहुत प्राचीन नहीं है। यह नाम भी उत्तर पौराणिक काल में ही प्रचलित हुआ। पुराणों में इसे गंगा द्वार, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्त स्त्रोत तथा कुब्जाम्रक के नाम से उल्लेखित किया गया है। एक मान्यता के अनुसार हरिद्वार नगरी को 3 देवताओं ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है। वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्रकृति प्रेमियों के लिए भी हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बहुरूप दर्शिका प्रस्तुत करता है। हरे भरे जंगल और छोटे तालाब इस पवित्र भूमि को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ते हैं। यह पवित्र शहर भारत की जटिल संस्कृति और प्राचीन सभ्यता का भी प्रतीक है। अगर हम उत्तर भारत की 4 धाम यात्रा की चर्चा करते हैं तो उसमें भी हरिद्वार का नाम आएगा, क्योंकि बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम तक पहुंचने का प्रवेश द्वार हरिद्वार ही है। हरिद्वार उन पवित्र स्थानों में से है जहां हर 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित होता है। पौराणिक हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी उस घड़े को ले जा रहे थे, तब गलती से उस घड़े से कुछ बूंदें छलककर धरती लोक पर गिर गई थी। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। वे स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12 वर्ष पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। एक मान्यता के अनुसार वह स्थान जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, उसे हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर स्नान करना मोक्षदायी माना जाता है। हर की पौड़ी के नज़दीक माँ गंगा का मंदिर भी है, जिसकी आरती देखना एक बहुत ही दिलचस्प आभास है। यहाँ का पवित्र गंगा जल देश के प्रायः सभी स्थानों में यात्रियों द्वारा ले जाया जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य स्थान है। मुख्यतः यहीं स्नान करने के लिए लोग आते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर इसी स्थान पर पड़ने के कारण इस स्थान का नाम हर की पौड़ी पड़ गया। इसे हरिद्वार का हृदय स्थल माना जाता है। हर की पौड़ी के पास जो गंगा की धारा है, वह कृत्रिम रूप से मुख्य धारा से निकाली गई धारा है और उस धारा से भी एक छोटी धारा निकालकर ब्रह्मकुंड में ले जाई गई है। गंगा जी की वास्तविक मुख्य धारा नील पर्वत के पास से बहती है। इस धारा का नाम नील पर्वत के निकट होने से नीलधारा है। एक और मान्यता के अनुसार राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने यहीं तपस्या करके अमर पद पाया था। भर्तृहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने पहले पहल यह कुंड तथा सीढ़ियाँ बनवाई थी। इस वजह से भी इस जगह का नाम हरि की पौड़ी पड़ गया। हरिद्वार से संबंधित एक और कथा है, जिसके अनुसार राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की तथा माँ गंगा को धरती पर लाए। स्वर्ग से उतरकर माँ गंगा भगवान शिव जी की जटाओं से होते हुए राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल दिए। जब राजा भागीरथ गंगा नदी को लेकर हरिद्वार पहुँचे तो सागर पौत्रों के भस्म हुए अवशेषों को गंगा के स्पर्श मात्र से मोक्ष प्राप्त हो गया। उसी समय से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की परंपरा चलती आ रही है। अत्यंत प्राचीन काल से हरिद्वार में 5 तीर्थों की विशेष महिमा बताई गई है। गंगा द्वारे कुशावर्ते बिलवके नील पर्वते तथा कनखले स्नात्वा धूतपापमा दिवम व्रजेत। हरिद्वार के दक्षिण में कनखल तीर्थ विद्यमान है। पश्चिम दिशा में विल्वकेश्वर या कोटि तीर्थ है। पूर्व में नीलेश्वर महादेव तथा नील पर्वत है जिस पर चंडी देवी और अंजना देवी आदि के मंदिर स्थित हैं, तथा पश्चिमोत्तर दिशा में सप्तगंग प्रदेश या सप्त सरोवर है। इसके अलावा हर की पौड़ी से पश्चिम की ओर शिवालिक श्रेणी के एक पर्वत शिखर पर मनसा देवी का मंदिर भी स्थित है जो कि बहुत प्रचलित है। साथ ही महाभारत काल से संबंधित भीमगौड़ा नाम की जगह भी हरिद्वार में ही स्थित है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।